अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। भाई सब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हो यार? तुम लोग कमेंट शमेंट करके हाल वाल क्या करो, इतनी बार मैंने बोला यार। और सुनाओ, तबीयत है ठीक है? अभी लिफ्ट आ नहीं रही थी, मैं इंट्रो इंट्रोड्यूस भी कर लूँ यार। चार लिफ्टें हैं भाई, एक भी लिफ्ट नहीं आई है। चाइनीज़ के अभी तक न्यू ईयर मनाई जा रहे हैं भाई, उतार दो इसको अब। बाहर तो मौसम लेवल हुआ पड़ा था भाई। तो यार लिफ्ट आ गई थी, मैं नीचे आ गया हूँ ठीक है। इंट्रो शिंट्रो मैंने शुरू कर लिया था। शक्ल तुम लोग देख रहे होगे मेरी, उजड़ा पड़ा हूँ आज, बहुत थक हो गया था यार इन दोनों सुबह से जो है ना, अभी तक काम 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 काम। अभी फ्री हो गया हूँ ठीक है, और अभी जा रहा हूँ मैं थोड़े मसाले शाले लेने हैं ठीक है। ये कोई है एक मंदिर के अंदर जो हम इंडियन फिल्मों में देखते थे ना, ये भाई पूजा पूजा हो रही है, अल्लाह हिदायत दे। और मौसम आज बहुत लेवल है यार, हैवी बारिश हुई है। ये सामने है जी सिटी वन प्लाजा ठीक है। इधर से हमने लेने हैं जी पाकिस्तानी मसाले, मटन कढ़ाई लेना है, बिरयानी मसाला लेना है, चिकन कढ़ाई लेना है, सारा कुछ लेना है। अभी यार जो पाकिस्तानी शॉप है वहाँ से आपको पाकिस्तानी आइटम हर चीज़ मिल जाती है। मेरे मैंने पिछले ब्लॉग में एक बार दिखाया था मैंने, आज फिर देख लो। ये मेन एंट्रेंस है, इधर से इंटर होके हमने आगे से जाना है राइट साइड पर जी पाकिस्तानी शॉप। इधर से हम मसाले शाले पकड़ लेंगे अपने। ये पड़ा जी बिरयानी मसाला, एक बिरयानी मसाला ले लेना नेशनल का, और क्या लेना है यार, चिकन 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 चिकन, ये कढ़ाई गोश्त हो गया, ये कढ़ाई गोश्त ले लिया, मटन भी लेना यार। उस मटन बिरयानी कितने पड़ा? डबल डबल नहीं, सिंगल है। सिंगल है, सिंगल दो दे दें फिर। ये मटन बिरयानी डबल, डबल नहीं था तो सिंगल दो ले लिए। एक के भी ले लिए यार चाशा। मसाले साले सारे बैग में डालिए, मैं बैग अपने पास हर टाइम रखता हूँ, एमरजेंसी कहीं भी काम आ जाता है भाई, कोई ना कोई सामान रखना पड़ जाता है। हाथ में बंदा क्या क्या कैरी करता रहेगा है। इंडियन साड़ियाँ लगी हुई हैं भाई। ये पूरा रोड जो है ना, यहाँ पे तकरीबन शॉपिंग वगैरह होती है, लोग अपनी शादी वगैरह की शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर तमिल शॉप है, इंडियन शॉप्स हैं, और यहाँ पे तकरीबन पीछे जो है ना हर शॉप के ऊपर जो है ना बॉलीवुड शादी के गाने वाने चल रहे हैं। तो यार उधर मैं वीडियो नहीं बनाया, कॉपीराइट आ जाता है यार, कॉपीराइट बहुत बड़ा मसला करता है यार, वीडियो को फिर डिलीट करना पड़ जाता है, फ़ायदा नहीं होता। ये जी हनीफा मॉल है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, बहुत बड़ा है ये भी। यहाँ से भी तकरीबन जो लोग आते हैं ना, जिन्होंने वापस जाना होता है अपने अपने कंट्री, फॉरनर्स जो होते हैं वो यहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हैं अपनी ना, यहाँ से परफ्यूम्स वगैरह हो गए, इस तरह हर चीज़ यहाँ से शॉपिंग के लिए मिल जाती है आपको, चॉकलेट्स ट्रॉफीज़ मतलब हर चीज़ मिल जाती है। सारे इंडियंस यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये सारी यहाँ पर ज्वेलरीज की शॉप्स हैं। यहाँ पर तकरीबन ऐसा समझ लो कि हमारा हर सिटी में एक होता है ना, मैं तो रहीमिया खान से हूँ, और रहीमिया खान में हमारे रेलवे चौक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें ऐसी दुकानें देखने को मिलती हैं जहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती हैं, जैसे पठानों ने दुकानें वगैरह लगाई होती हैं और शॉपिंग वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, इसी तरह ये वो पॉइंट है। और मैं वहाँ पर आगे जाके दिखाता हूँ आपको, वो जो जगह ना वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर बहुत चीपर चीज़ें मिल जाती हैं, वॉचेस वगैरह हो गई, शूज़ हो गए, बैग्स हो गए, वहाँ से जो है ना तकरीबन बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। इम्पोर्ट एक जगह से होती है ना, जो दुकानों पे होते हैं लोग, वो फिर उन्होंने जारी बात अपने स्टाफ की सैलरीज निकालनी होती हैं और रेंट पे करना होता है, अपना प्रॉफिट रखना होता है, तो वो एक्सपेंसिव मिलती हैं। अमूमन चीज़ें सेम होती हैं, क्वालिटी का फ़र्क भी आ जाता है लेकिन चीज़ें सेम मिल जाती हैं। ये जी यहाँ पर सारे जूस लगा हुआ है, और ये है फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स हैं यहाँ पे। जी पान शॉप है, खोखा है यहाँ का। ये सारे फूड स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स हैं ठीक है। यहाँ पे जो बंदा नया नया आता है ना पाकिस्तान से मिलकर, उसको तो ये खाने अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे भी शुरू में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज़ हुआ, खाना शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब खा लेते हैं, एक टेस्ट बैठ जाता है ना। जब नया नया बंदा आता है तब तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है ना, बंदा नाक बंद करता है पहले, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बंदा यूज़ होता है, खाने लग जाता है। ये देखो ये स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये टी शर्ट्स लगी हुई हैं ठीक है, वो वॉच का स्टॉल लगा हुआ है, आगे बैग्स वगैरह हैं ये वो, लेकिन अभी यहाँ पे मैं जा नहीं सकता हूँ, टाइम थोड़ा है। ओ सर मैं बताना तो भूल गया, थंबनेल तुम लोगों ने देख लिया होना कि मैं व्लॉग बना किस पे रहा हूँ आज भाई। आज मैं जा रहा हूँ अपना न्यू फ़ोन लेने, फ़ोन अपग्रेड कर रहा हूँ मैं, 11 प्रो मैक्स यार लेना था मैंने, 12 प्रो मैक्स देखा भी हुआ, पसंद भी किया हुआ था गोल्ड कलर में भाई, लेकिन बजट थोड़ा कम हो गया, जिस वजह से अभी 11 प्रो मैक्स लेना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह देख लेंगे भाई, कोई ऐसा मसला नहीं है, नेक्स्ट सैलरी पे, उससे नेक्स्ट सैलरी पे 12 प्रो मैक्स ले लेंगे भाई,
जब मैं आया था ना यार पाकिस्तान से, मेरे पास iPhone 7 था, सेविंग कर करके मैं इस लेवल पर पहुँचा कि आज मैं 11 Pro Max ले रहा हूँ। दौर तो चल रहा है लेटेस्ट 14 Pro Max का, लेकिन भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ऐसा ऐसा ऊपर जाते हैं भाई, हम यकदम इतना नहीं कमाते। एक दिन आएगा जब हम 15 Pro Max लेंगे, क्योंकि यार हमारे लेवल का अभी तक एप्पल ने फ़ोन नहीं निकाला, मैं बोला 15 लो तो हम 15 लेंगे। अभी बस टाइम पास के लिए 11 Pro Max ले लेंगे। तुम लोगों को मैं अंदर से विजिट कराता हूँ, अंदर से यार ये खिलौने छिलौने हैं, ठीक है। बारिश हुई है, पानी खड़ा हुआ पड़ा है वहाँ पे। ये परफ्यूम शरफ्यूम है भाई, ठीक है। ये भी टी शर्ट्स लगी हुई हैं, 20 रिंगेट की है भाई एक शर्ट। ये लेडीज़ स्कार्फ वगैरह हैं, ये शूज़ लगे हुए हैं भाई। लड़कों देख लो, शूज़ कलेक्शन तो लड़कों की फेवरेट होती है यार। ये घड़ियाँ चढ़ी हैं, ये केएल का वो पड़ा हुआ भाई सिंबल, और ये भी घड़ियाँ हैं। ये लेडीज़ के कपड़े हैं भाई, इनका हमें पता नहीं है। ये भाई कैप्स वगैरह हैं, ग्लासेस हैं, पोलो शर्ट्स हैं। ये जो है ट्रैवलिंग बैग्स हैं, ये बेल्ट शर्ट है भाई, ये लेडीज़ पर्स आ गए हैं। ये 15 का एक पर्स है भाई, 15 का भी अच्छा है, लेकिन भाई हमने किसके लिए लेना है। सर जिन लोगों का भी इस जगह का नहीं पता है भाई, ये मस्जिद जामे का स्टेशन बिल्कुल सामने है मेरे, ठीक है। ये सीधा जाऊंगा मस्जिद जामे का स्टेशन आ जाएगा, मस्जिद जामे LRT, ठीक है। और ये मस्जिद इंडिया से राइट तरफ की सीधा आओगे तो वहाँ पे ये जगह है। सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आके इजीली अपनी चीपर जो है ना शॉपिंग कर सकते हो भाई। कॉपीराइट ना आ जाए भाई। ये मस्जिद जामे का स्टेशन है, मस्जिद जामे के स्टेशन से आप स्टेज से नीचे उतरोगे ना तो सीधा आपको यही बाजार नज़र आ जाएगा भाई। जो भाई मलेशिया में है, जिनको नहीं पता है भाई कहाँ से हमने सस्ती शॉपिंग करनी है, आप मॉल्स वगैरह में जाते हो यार, मॉल्स वगैरह में बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं, ब्रांड तो ब्रांड होता है, लेकिन यहाँ भी अच्छी क्वालिटी में आपको चीज़ें मिल जाती हैं यार। जिनको वहाँ से परचेज करना वो वहाँ से कर लें भाई, बजट पर डिपेंड करता है ना। चौक यहाँ से करा लें, वैसे ये अपना कार्ड है भाई, इसको हम यहाँ से करेंगे स्कैन। ये टिंग तो वाम खड़ी है यहाँ पे। मैं ट्रेनों का इनका शेड्यूल चेंज हो रहा है या क्या है, बहरहाल कोई पता नहीं है, बहुत रश है भाई आज तो। तुम चेक कर रहे हो स्टेशन पे बहुत रश है, और जहाँ पे ट्रेन ने स्टॉप करना है ना आके, निशान बने हुए जहाँ पे दरवाज़ा आएगा, लोग लाइनों में खड़े हो गए हैं आके। डिसिप्लिन है यार, दरवाज़ा बिल्कुल सामने आके रुका, लेकिन अब घुसना है भाई जल्दी जल्दी, ये ना अगली ट्रेन पे जाना पड़ जाए। ओए 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 ओए, निकलने वाली है वहाँ भी तो भाई है भाई। ओए ओए ओए, पूरी ट्रेन खाली होगी भाई, तुम रश देख सकते हो। बोल वो मम्मी वाली फिल्म आ रही है, वो ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी वाली, ज़ॉम्बी वाला सीन लग रहा था भाई यहाँ पे भाई। लेकिन फुल गड़बड़ हुई पड़ी है भाई, चेक करो ये भाई साहब म्यूजिक से बचाने लगे हैं। तो यार हंगतुआ से आगे यहाँ से हमने जो है ना ट्रेन चेंज करना, मोनोरेल पे जाना है। पिछले दौर में तुमने देखा तो होना, नहीं देखा तो जाके देख लो यार भाई, देखा करो व्लॉग, बहुत की पिछले व्लॉग में मैं गया था लोयर प्लाजा, जहाँ से मैंने फोन लेने जाना है। अभी मैंने वहाँ से शूज़ लिए थे पिछले व्लॉग में, और वहाँ से वो पूरा मोबाइल मार्केट है लोयर, वहाँ पे सेकेंड हैंड परचेजिंग वगैरह होती है फ़ोन की, वहीं से जाके हमने लेना है अपना न्यू मोबाइल। ये है जी मोनोरेल, जो ऊपर चलती है इधर, इस ट्रेन का नाम मोनोरेल है, दूसरी जिसे मैं आया था वो LRT है। यहाँ से मैं यार कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को एक बार ना इस बिल्डिंग का व्यू दिखाने की, आई थिंक मुझे बैठना पड़ेगा। तो ये भाई वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग में से आते हैं, सुनने में आता है कि भाई ये सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है, बहुत बार व्लॉग में मैं बता चुका हूँ, सामने आती है मैं दोबारा बता देता हूँ, उसने कोई नया बंदा व्लॉग देखा हो यार मेरा है उसको भी पता चल जाए। इसके टोटल फ्लोर हैं जी 118, कहने में आता है कि ये भाई बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग है। कभी एक और बिल्डिंग आती है, कभी ये आती है, तो टॉप में है भाई, उसे तीसरे नंबर पे है ये। सब आ गई अपनी मोनो रेल ट्रेन। ऊपर से भूख इतनी शिद्दत की लगी हुई है कि यार मैंने सिर्फ सुबह का नाश्ता किया हुआ, दोपहर में खाना नहीं खाया था, तो उधर जाके कुछ खाते पीते भी हैं यार। एक खुशी भी है, एक भूख भी है, पेट में गुड़ 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 हो रही है। और खुल गया दरवाज़ा, ये वही स्टेशन आ गया MB, ठीक है। वो मैंने बताया था वो टाइम स्क्वायर है, उसके सामने सीधा जाके जो है ना लोयर प्लाजा आता है। तो अभी फिर मिलता हूँ मैं सीधा तुम्हें लोयर प्लाजा जाके। जी प्लाजा लोयर
मैं पहले बता चुका हूँ यार, ये प्लाजा जो है यहाँ पे सेकंड हैंड फोन मिल जाते हैं भाई। और यहाँ का सबसे मजे की चीज़ में पता क्या लगती है, सिक्योरिटी गार्ड। अभी जाऊँगा देखना, वो खुद भी दरवाज़ा खोलेगा भाई, देखना तुम्हारे भाई को देखेगा दरवाज़ा खोल देगा, देखना अभी वो खड़ा है। और देखो अभी मैं आया नहीं, उसने पहले दरवाजे पे हाथ रख लिया भाई। प्रोटोकॉल भाई, प्रोटोकॉल। शक्ल मेरी उजड़ी पुजड़ी पड़ी है, मुझे पता है यार काम कार वाले बंदे हैं भाई, जॉब शॉप से आते हैं। नीचे सारी फ्रेंचाइजीज हैं ठीक है, और सेकंड फ्लोर ऊपर आते हैं यूजी के बाद फर्स्ट थर्ड फोर्थ, ऊपर रिपेयरिंग वाली दुकानें हैं। और जो यूजी और फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ पे आपको तकरीबन पाकिस्तानी भाई मिल जाते हैं ठीक है, आपको अच्छे रेट पे फ़ोन सेल भी हो जाता है और मिल भी जाता है। सारा लो यार भाई, हमने शूज़ कौन से लिए थे, बल्कि वो पड़े वो वाले शूज़ लिए थे। ओए 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 14 प्रो मैक्स आते ही सीधा नजर आया है। ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ये सारे इधर पाकिस्तानी डीलर्स बैठे हुए हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। ये वाला आईफोन चेक करो यार, ये तो 7 से भी छोटा है यार, पता नहीं कौन सा मॉडल है ये। PS5 पड़ा हुआ है भाई। ये है जी 11 प्रो मैक्स। फोन चेक कर लो मैं तो भाई, तो फोन चेक कर लिया सारा, ओके ठीक है, पसंद आ गया भाई, डिजिक डिजिक डिजिक। तो यार अभी जो है बस ATM जाना है, ATM से पैसे निकलवाए नहीं थे और भाई साहब आ गए फोन लेने। तो अभी जाके पैसे से निकलवा के फिर करते हैं 11 प्रो मैक्स को डन। बड़े तेज हो रही हो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है भाई। अरे ओए 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 रिंगट चेक कर लो भाई, ऐसे होते हैं रिंगट, ये होते हैं रिंगट। अरे तो भाई साहब फाइनली जो लो भाई साहब ले लिया आईफोन प्रो मैक्स, भूख शूख लगी हुई थी हैवी वाली, तो मैंने कहा नीचे खाना छाना खाने आ जाए यहाँ पे, कुछ खा पी लें। लेकिन यहाँ पे यार सारा मलेशियन फूड है, मुझे KFC नहीं मिल रहा यहाँ पे, ना KFC है ना मैकडोनल्ड है। फिर चुप कर घर चलते हैं, मूड बड़ा बन गया था, मैं कभी सिंगर सिंगर खाते हैं, लेकिन अभी घर जाता हूँ, लेट बहुत हो रहा हूँ, सुबह फिर काम पे जाना है। अरे 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 ये पाइजन ले लिया, मैं कहीं जाते जाते चेक कराता जाऊँ तुम्हें। यहाँ स्पेस ग्रे कलर लिया भाई, कवर शवर साथ हमें फ्री मिल गया, उसने फ्री दे दिया। अभी जो है सीधा निकलता हूँ घर, घर जा कर फिर रोटी फोटी बनानी है, खाना खाना बनाना है, बहुत लेट हो गया, 9 बजने वाले हैं यार सुबह। फिर आ जा भाई, बहुत तंग हो गया यार सुबह से, चल 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 के ना बस हो गई है। वैसे वो देखो हम ड्रामो में इंडियन पादरी देखते होते थे भाई, ये स्टेशन पे फिर रहे हैं आज। घर तो पहुंच गया हूँ भाई, घर फुल थक हो गया, अब किचन 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 किचन, अब खाना छाना बनाना है तो उसकी तैयारी करते हैं। हमने ले लिया जी 1 अदद कटिंग बोर्ड, 4 प्याज ले लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं, 1 छुरी ले लिया हुए, और प्याज टमाटर डाल दिए जी कढ़ाई के अंदर ठीक है। चिकन करना वॉश करके फिर डाल देना कढ़ाई के अंदर। तो जी मसाला वसाला डाल दिया, चिकन डाल दिया, अब इसको हम डाल देंगे भाई जान स्टीम पे। ए, 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 ए,